Hello everyone, welcome back to English with Learn More with Nadir Kazmi. I hope you are well. मैंने आज आपके लिए एक बढ़िया सा टॉपिक लाया है और वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगा और इस लेसन में आपको ये जानने को मिलेगा कि हम कैसे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स की तरह वाना एंड गाना का इस्तेमाल कर सकते हैं और इनके इस्तेमाल में हम जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं तो हम उन्हें भी आज इस वीडियो में डिफाइन करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो हम ग्रामर की वीडियोस बनाते रहते हैं तो उनकी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस आपने सुना ही होगा कि जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं वाना एंड गाना और इन दोनों वर्ड्स की स्पेलिंग्स में कुछ वेरिएशंस पाई जाती हैं व्हिच आई हैव सीन इन रिटन लाइक वाना व्हिच आई ऑलवेज यूज एंड आल्सो वाना एंड आई हैव सीन गाना एंड गाना एज वेल बट इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम ही रहती है जैसे वाना एंड गाना इट्स गाना नॉट गोना और इसी तरह वाना इज एक्यूरेट और जो वाना है दैट्स रॉन्ग। नाउ द फर्स्ट वर्ड व्हिच आई वांट टू टॉक अबाउट इज वाना। वाना मीन्स वांट टू एंड इट इज़ यूज्ड विद आई वी यू एंड दे लाइक आई वाना गो होम वी वाना गो होम यू वाना गो होम They wanna go home. That's fine. But the problem arises when we want to use he, she or it. क्योंकि he, she, it ये singular third persons हैं और जब इनके साथ हम present simple tense में अगर कोई verb इस्तेमाल करते हैं तो उस verb के साथ is और es add होता है। अगर हम want to go I, we, you, they के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये होता है I want to, we want to, you want to and they want to। लेकिन जब हम want to को he, she, it के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये होता है he wants to, she wants to, it wants to। तो आपने देखा कि जब हम he, she, it के साथ कोई verb इस्तेमाल करते हैं present simple tense में तो उसके साथ s ऐड होता है। तो इसी वजह से अब जो वाना है इट टर्न्स इंटू वांस्टा लाइक ही वांस्टा गो होम शी वांस्टा गो होम इट वांस्टा गो होम। सो देयरफॉर गाइस यू मस्ट रिमेंबर दैट इफ देयर इज ही शी और इट इट्स नॉट वाना इट्स वांस्टा। नाउ टर्निंग टू द गोना। गोना मीन्स गोइंग टू And the biggest mistake which I hear that some people forget to use it with the verb to be. Like aise bhi kaha jata hai, I gonna sleep, she gonna sleep, we gonna do. But that's wrong. It needs to be, I am gonna sleep, she's gonna sleep, we are gonna do. Now I hope aapne wanna and gonna ke istamal mein jo doubts hain, उन्हें क्लेरिफाई कर लिया होगा। बट रिमेंबर नॉट गोना इट्स गाना नॉट वाना इट्स वाना। सो टेक केयर टू द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।